हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करेंट अफेयर्स, जो कि हमारी जुलाई मंथ की है। तो हमारी यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस चल रही है, जिसमें कि हमने यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और इंडिया की जो एनर्जी डिप्लोमेसी है उसको कल हमने डिस्कस किया था। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक है हमारी MDB के बारे में। देन यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक सी इन ग्रेन ड्रील और जितने भी न्यूज़ शॉर्ट्स में रहे हैं उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की जो लेसन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हमारी कंप्लीट हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। हर मंथ की यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था। रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स है, जो कि यहाँ पे इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है, और आज के डेट में आप देखो कि G20 की जो मीटिंग सबमिट है वो हमारे ही देश में इंडिया में होने वाली है, दिल्ली में होगी। तो इसलिए इसको देखते हुए यहाँ पे आपका जो है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में बात किया गया है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते क्या है? एक्चुअली आप देखो कि ये सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो कि सॉवरेन स्टेट के द्वारा इसको सेटअप किया गया और जिसमें कि उनका स्टेक होल्डर्स भी रहता है। कहने का मतलब है कि मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक है इसमें यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा इसको सेटअप किया गया। जैसे कि आप देखो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो ये सारे जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सब मिलकर एक ऐसा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को लेकर आए हैं। ये जो रिपोर्ट है इसमें ट्रिपल एजेंडा यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि तीन तरीके का एजेंडा होगा इस डेवलपमेंट बैंक में। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो बहुत ज़्यादा गरीबी है, उसको ख़त्म करना है। साथ ही यहाँ पे जो प्रॉस्पेरिटी है उसको शेयर करना है। अगर मैं यहाँ पे सही तरीके से एक जीवन जी रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी, मतलब ये कोशिश होना चाहिए कि आपके साथ भी जो लोग हैं उनको भी ऐसी लाइफ जो है थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया जाए। कहने का मतलब है कि सब कुछ सही सही चले, परफेक्शन तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहे, एक प्रॉस्पेरिटी के साथ यहाँ पर काम करें। साथ ही एक ग्लोबल पब्लिक जो गुड्स है उसमें कंट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है कि जो पब्लिक गुड्स है उसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये तीन यहाँ पे ऐसे मैंडेट किए गए हैं। ठीक है, फाइनेंस वगैरह का आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रिपलिंग सस्टेनेबल लेवल लेंडिंग लेवल है, जो कि 2030 तक रखा गया है कि जो सस्टेनेबल लेंडिंग यहाँ पे लेवल होना चाहिए। यानी कि हर एक चीज़ देखो, आज के डेट में हम लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा हम लोग वेस्ट करते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की हमें अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है, मतलब कि ऐसा आप इस्तेमाल करो कि आगे आने वाले जनरेशन्स को भी सारी सुविधा मिल सके। साथ ही मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि एक थर्ड फंडिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिसमें कि फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे परमिट की जाएगी, और साथ ही साथ ये इन्वेस्टर्स के साथ भी यहाँ पे इंगेज्ड होंगे। ओके, लेकिन अगर हम लोग देखिए मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक है उसका क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो इंटरनेशनल पिलर है, जिससे कि एक ग्लोबल इकॉनमी स्टेबलाइज हो सके। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग देखें तो मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक है वो यहाँ पे $222 बिलियन वगैरह प्रोवाइड किए हैं। कब? जब 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, यानी कि पूरी तरीके से जो 2008 का एक फेमस फाइनेंशियल क्राइसिस है उस समय यहाँ पे मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक थे ना उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया गया था। तो इसलिए आज के भी डेट में अगर आप देखो जो इन्फ्लेशन लाइक सिचुएशंस हम लोग बहुत सारे कंट्रीज़ में देख रहे हैं, हमारे देश में भी कुछ चीज़ों की दाम इतना बढ़ चुकी है जिसे कहा जाता है कि इन्फ्लेशन आने वाला है, तो उस समय भी अगर कोई क्राइसिस होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, तो उस समय हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि हमें इस क्राइसिस से बाहर निकाला जा सके। साथ ही ग्रोथ को प्रमोट करना है, चाहे वो डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो। और ये कैसे होगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एजुकेशन, ये सारे प्रोजेक्ट के थ्रू हो सकता है। साथ ही लो कॉस्ट लॉन्ग मैच्योरिटी फाइनेंसिंग वगैरह भी प्रोवाइड करने की बात की गई है। इट मीन्स कि आप देखो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट यहाँ पे स्पेंड करने के लिए कहा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, कोई भी सेक्टर में आप जाकर देख लो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। तो कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग है यहाँ पे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को करना चाहिए, और मेनली आप देखो कि फोर फोल्ड ज़्यादा करो, चार गुना ज़्यादा, जो कि 2030 तक हो सके। और मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक है
ये इनडायरेक्टली आप देखो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये इनका एक कंड्यूसिव कंडीशंस होता है और फ्रेमवर्क वगैरह डेवलप करते हैं जिससे कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट है, वो एब्सॉर्ब हो सके। ठीक है, तो ये सारे तो यहाँ पे आप देखो कि हम लोग का फ़ायदा है, सिग्निफिकेंस है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक का। बट इनके साथ इशूज़ भी हैं। इशू क्या है, स्ट्रक्चर इशूज़ अगर आप देखो तो इनका जो फ्रेमवर्क है ये आउटडेटेड हो चुका है। एक रीजनल फोकस की बात की गई है कि कुछ यहाँ पे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के ऊपर, साथ ही साथ इनसफिशिएंट कंपटीशन है और कोऑर्डिनेशन है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के बीच में। मीन्स अगर आप कंपटीशन और कोऑर्डिनेशन देखोगे तो वो इतना बेटर नहीं है, यानी कि जितना होना चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है। साथ ही जो डिमांड है डेवलपमेंटल ये फाइनेंस के लिए, फाइनेंस वगैरह डेवलप करने के लिए, वो भी डिमांड यहाँ पर बढ़ते ही जा रहा है। तो ये सारे इशूज़ हैं। सेकेंड है कि क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, जैसे कि आज के डेट में आप देखो क्लाइमेट चेंज, इट मीन्स कि गर्मी हो रही है तो बहुत ही गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है तो एक्सट्रीम ही ठंड हो रही है, कुछ भी मॉडरेट लेवल पे चल नहीं रहा है, हर एक चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है। पैंडमिक एक ऐसा पैंडमिक था, कोरोना काल, जो कि बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करके चला गया। फ्रेजिलिटी है, माइग्रेशंस है, लोग जो है आज के डेट में उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, उनका जो जिस तरीके से वो पहले जीते थे, जिस तरीके से उनका जो बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा चुकी है, बहुत सारे लोग एकदम से अलग आज के डेट में फेज़ में काम कर रहे हैं, तो इसलिए न्यू फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है और यहाँ पे अप्रोचेस है उसको यहाँ पे लाना ज़रूरी है। साथ ही फाइनेंसिंग विथ राइडर्स, यानी कि यहाँ पे मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ये लेंडिंग इज़ समटाइम्स डिफरेंट, यानी कि जो प्रायोरिटी होती है इमर्जिंग इकॉनमीज़ की, उनसे आप देखो कि ये जो है ना, इनकी जो लेंडिंग है, जिस तरीके से ये लोन वगैरह देते हैं, तो इनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत डिफरेंट है, अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में या सिंपल बैंक के कंपैरिजन में देखें तो। साथ ही डिबेट है ऑन द फोकस ऑफ मल्टीलैटरल बैंक, यानी कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक है इसके ऊपर कई बार डिबेट वगैरह होती है कि नॉन बोरोवर इसमें शेयर होल्डर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे आप देखो यूएस के द्वारा लीड किया जाता है, जिसमें कि कई बार ये देखने को मिलता है कि जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है ना वो लो इनकम कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ उनको ग्रेजुएट करते हैं, यानी कि इस तरीके का इनका जो है यहाँ पे फोकस होना चाहिए, बट बेसिकली ये हो नहीं पाता है। साथ ही चाइना का रोल आप अगर देखो, चाइना का जो रोल है ना, ये हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया या फिर यहाँ पे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, इसके ऊपर अगर आप शेयर देखोगे चाइना का तो वो सबसे ज़्यादा है। और चाइना जो है मल्टी डेवलपमेंट जो बैंक्स है ना इनको यूज़ करता है अपना खुद के फॉरेन पॉलिसी गोल्स के लिए, तो आप देखते हो कि चाइना की जो इन्फ्लुएंस है और चाइना का जो इंक्लूजन है वो बहुत ज़्यादा है। कंसर्न है ग्लोबल साउथ का। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें तो ये काफ़ी स्ट्रगल करते हैं कि इफ़ेक्टिवली ये जो है एक्सेस कर सके और जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उसको एड्रेस कर सके, जैसे कि यहाँ पे सप्लाई वगैरह करना हो, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फूड हो, एनर्जी हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रांसफ़र हो, एनर्जी ट्रांजिशंस हो, ये सारी चीज़ें। ओके, इट मीन्स कि एक सही तरीके से सब कुछ चलते रहे, खाने के लिए आपको भोजन मिल जाए, रहने के लिए आपको घर मिल जाए और पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, और साथ ही साथ अगर आज के डेट में अगर आप कुछ जॉब वगैरह कर रहे हो तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है तो उसकी फैसिलिटी मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, टाइम टू टाइम लाइट मिल जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिक नीड्स में आती है, तो ये सारी चीज़ें अगर मिल जाती है तब आप लोग कहोगे कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है ना उसको एड्रेस करने में ये बैंक जो है ये सक्सेस हो पाया। ओके, तो कंसर्न भी देखने को मिला है ग्लोबल साउथ से। सो दीज आर दी इश्यूज और चैलेंजेस है जो कि इससे एसोसिएटेड है। लेकिन अभी रिकमेंड किया जा रहा है कि जिस तरीके से मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक काम कर रहे हैं, अगर वैसे ही काम करते रहेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि एक बड़े पैमाने पे इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। इसलिए आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको हम लोग और ज़्यादा मजबूत करें। ठीक है, आने वाले दिनों में अगर कोई भी तरीके की अनकंडीशन सिचुएशन अराइज़ होती है तो उसमें हम लोग इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, और जो ट्रिपल एजेंडा है उसको रियलाइज़ करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। सबसे पहले जो विज़न डॉक्यूमेंट है हर एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक का, उसको चेंज करने के लिए कहा गया है। इट मीन्स कि फॉर्मली यहाँ पे एक ट्रिपल मैंडेट अडॉप्ट करने की बात की गई है, जैसे कि पॉवर्टी वगैरह को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना, गरीबी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर लोग गरीब है, एक उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, साथ ही जो स्केल है फाइनेंसिंग का उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ट्रिपल द सस्टेनेबल लेंडिंग, ये कहा गया कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की जो लेंडिंग कैपेसिटी है उसको 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये बढ़ाया जाएगा 2030 तक। साथ ही जो $300 बिलियन तक जो है पर ईयर, ये आप देखो कि बढ़ता जाएगा इन ओन अकाउंट नॉन कंसेशनल फाइनेंस में।
साथ ही G20 मेंबर्स जो हैं ये भी यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि एक न्यू ग्लोबल चैलेंजेस फंडिंग मैकेनिज्म को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यू फ्लेक्सिबल लीगल और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होनी चाहिए और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे ज़रूरत है जो कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट जो बैंक है सिस्टम है इनसे बाहर का हो सके और डोमेस्टिक रिसोर्स जो मोबिलाइजेशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हो और क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए हो। ठीक है, साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे मॉडल्स वगैरह को ऑपरेट करने के लिए कहा गया है कि आज की डेट में ये जो बैंक है ना इनको ज़रूरत है कि अपनी ऑपरेशनल और जो यहाँ पे फिनेंशियल बिजनेस मॉडल है उसको ट्रांसफॉर्म करें। टाइमलाइन भी यहाँ पे रखना चाहिए प्रोजेक्ट का कि कब इसको स्टार्ट किया जाएगा कब इसको ख़त्म किया जाएगा और जो नॉलेज वगैरह है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एडवाइजरी सर्विस वगैरह देने की ज़रूरत है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ओके सो दीज आर द थिंग्स। अब देखिए कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से। सबसे पहले कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट जो फाइनेंस वगैरह है उसको एक्सेस कर पाएंगे, क्विकर अप्रूवल होगा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो है जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा और ग्लोबल स्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर आपका और भी ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। साथ ही टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन सपोर्ट है वो भी हमें यहाँ पर मिल पाएगा। ओके सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें यहाँ पर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड जो है उसे समझने की ज़रूरत है। ओके नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक वर्चुअल समिट जो है SCO का वो कंक्लूड किया गया है और यहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से। ठीक है, तो ये वर्चुअल हुआ है, कहीं पे भी लोग जाके मिले नहीं है, ये VC के माध्यम से, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको कंक्लूड किया गया है। अब थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं संघाई कॉरपोरेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखो कि ये फाउंड किया गया था संघाई समिट जो 2001 में हुआ था उसके थ्रू और यहाँ पे रशिया, चाइना, यहाँ पे किर्गिज, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंट्रीज़ के द्वारा इसको जो है यहाँ पे आपका फाउंड किया गया था। फिर आज के डेट में मेंबर कंट्रीज़ देखोगे तो इंडिया के बारे में अगर आप देखो तो यस वी आर द मेंबर ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सारे हैं और यहाँ पे 3 ओवरसीज स्टेट है और 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। स्ट्रक्चर में कहा जा रहा है कि जो काउंसिल है वो हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पे एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। साथ ही जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है ये सेकंड हाईएस्ट काउंसिल भी है। साथ ही आप देखो 2 परमानेंट बॉडी है, एक सेक्रेटेरिएट आपका बीजिंग में है और एक रीजनल जिसे रैट्स कहते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि ताशकंद में है। तो ये 2 परमानेंट बॉडी है यहाँ पे SCO के तहत। मेजर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड जो कंसर्न है उसको एड्रेस करना और जो बॉर्डर इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना, मिलिट्री कॉपरेशंस और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है इसको यहाँ पे देखते रहना, यानी कि यहाँ पे मेजर गोल है कि इन सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है इस पर ध्यान देना। साथ ही काउंटरिंग टेररिज्म, जो टेररिज्म वगैरह है उसको काउंटर करना एंड कॉपरेशन जो कि एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन ये सारे फील्ड में यहाँ पे कॉपरेशंस करें। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। ओके अब समझते हैं कि इस समिट की की हाईलाइट क्या है। सबसे पहले इस समिट का जो थीम था वो है टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। इट मींस कि सिक्योर कहने की मीनिंग है यहाँ पे सिक्योर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस। ओके सिक्योर एक्रोनिम जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा दिया गया था। आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है ये एक्रोनिम में काफ़ी स्मार्ट है कि नहीं। तो सिक्योर SCO हमारे द्वारा ये दिया गया था 2018 का जो SCO समिट था उस समय और ये वर्चुअली हमारे इंडिया के ही प्रेसिडेंसी में ये अभी हेल्ड हुआ है और ईरान जो है एक न्यू मेंबर जैसा यहाँ पे परमानेंट मेंबर ऑफ ईरान बन चुका है। तो ये भी आपको याद रखना, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही आप देखो कि इफेक्टिव एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो यहाँ पे नोट किया गया है रैट्स के तहत और उसके साथ आप देखो सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले इसकी जो संरचना है जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आप देखो तो यहाँ पे जो जो कंट्री है वो सारे कंट्रीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही रीजनल स्टेबिलिटी भी यहाँ से निकल कर आएगा क्योंकि जितने भी यहाँ पे देश है, चाइना है, रशिया है, ईरान अभी यहाँ पे हमारा मेंबर बन गया है परमानेंट मेंबर, तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात की जा रही है तो ये मेंटेन रहेगा यहाँ पे। साथ ही अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप जो है ये क्रिएट किया गया था 2005 में जिससे कि जो रीजनल कॉपरेशंस है ना काबुल वगैरह के साथ तो वो भी यहाँ पे मेंटेन रह सके। साथ ही बायलैटरल रिलेशन है, चाहे आप देखो कि कम्युनिकेशन यहाँ पे इंडिया और अदर रीजनल कंट्रीज़ जो कि चाइना वगैरह है इनके साथ भी अगर दो देशों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बायलैटरल रिलेशन कहते हैं, तो दो दो कंट्री के बीच में भी जो भी रिलेशन है वो यहाँ से बूस्ट हो पाएगा।
रीजनल कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रमोट हो पाएगी। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है, इकोनॉमिक कॉपरेशंस है, कुछ ऐसे यहाँ पे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि तापी पाइपलाइन। ये तापी पाइपलाइन अगर आप देखो तो यहाँ पे नेचुरल गैस जो है तुर्कमेनिस्तान से, वो हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान से ये अफगानिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंड देन नेक्स्ट टू इंडिया। तो ये जो नेचुरल गैस की यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे INSTC है, इन यहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यहाँ जो रीजनल ट्रेड है, कल्चर ट्राइज है, उसको यहाँ पे प्रमोट करने की ज़रूरत है। इंडिया के द्वारा आप देखो कि 5 पिलर तो ऐसे भी क्रिएट किया गया है, और मेनली फोकस किया जाता है उन सारे कुछ एरिया में जहाँ जहाँ कॉपरेट किया जा सकता है, जैसे कि स्टार्टअप वगैरह हो गया, इनोवेशन वगैरह हो गई, डिजिटल इंक्लूजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे UPI पेमेंट भी करें। साथ ही आप देखो कि यूथ वगैरह को एम्पावर करने की ज़रूरत है, साथ ही ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिससे कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह को भी लेकर है। साथ ही आप देखो कि बुद्धिस्ट जो यहाँ पे हेरिटेज है उसको भी शेयर करने की बात की गई है फॉर द समिट, जैसे कि काशी है वाराणसी में, तो इसको भी डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल, जो कि SCO का है। तो वाराणसी जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग भी जाइए घूमिए वहाँ पे, तो वो आप देख सकते हो कि इसको ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट टूरिज्म एंड कैपिटल जो है यहाँ पे इसको बनाया गया है। काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स जो है उसको फॉस्टर करना है। देखिए SCO के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिज्म पे काम करते हैं, जैसे कि रैट्स है, तो रैट्स का काम है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कम करना, काउंटर करना, फाइन। साथ ही इलिसिट जो यहाँ पे हमारा ड्रग ट्रेड होता है, 80% जो OPM और हीरोइन की सप्लाई वगैरह होती है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन से है, जिसको SCO के द्वारा टैकल भी किया जाता है। और यहाँ पे स्ट्रैटेजिक जो मिनरल रिसोर्सेज है उसको एक्सेस करना, SCO के द्वारा आप देखो इंडिया की जो एक्सेस है क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज में वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है, जैसे कि यूरेनियम हो गया तो हम लोग कजाकिस्तान से यहाँ पे इंपोर्ट करा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स रिसोर्सेज वगैरह है जो कि सेंट्रल एशिया से हम लोग इसको इंपोर्ट करा रहे हैं, तो इसलिए SCO के कारण हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो यहाँ फुलफिल हो रही है। ओके, लेकिन फिर भी SCO के साथ कुछ चैलेंजेस हैं, जस्ट लाइक कि बायलेटरल इशूज़ निकल कर आता है, दो कंट्रीज़ जो है आपस में लड़े हुए रहते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, और साथ ही चाइना इंडिया चाइना है, तो कई बार टशल्स देखने को मिलता है, ईरान और चाइना के बीच में भी टशल्स है, तो बायलेटरल इशूज़ है जिसके कारण ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये पूरी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता। साथ ही एंटी वेस्ट ग्रुपिंग है, कंटिन्यूड परसेप्शंस ये बनते जा रहा है कि जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके एंटी है ये SCO। साथ ही यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं, जैसे SCO का सपोर्ट जो है वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर यहाँ पे, जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसको हर्ट कर रहा है। हम लोग यहाँ पे जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना उसको हम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, उसको हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये हमारी जो यहाँ पे सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है इसको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है। ओके, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस अगर आप देखोगे तो SCO का जो चार्टर है वो यहाँ पे बायलेटरल डिस्प्यूट्स वगैरह को अलाउ नहीं करता है कि आप यहाँ पे कुछ मतलब कि इसको आगे लेकर चले, जिससे कि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट निकल कर आता है। तो चैलेंजेस आप स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी देख सकते हो जिसमें कि ट्रस्ट डेफिसिट है, और जो सीनो रशिया एक्सिस है उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रशिया और वेस्ट के बीच में है, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है चाइना और जो रशिया की यहाँ पे रिलेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ठीक है, फर्दर जो यहाँ पे आप देखो कि चाइना का एग्रेशंस है इंडिया को लेकर वो भी यहाँ पे मजबूत होता जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि हर एक तरीके से सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं ना वो किसी ना किसी चीज़ में यहाँ पे इन्वॉल्व ही है। ओके, वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हम लोग को मल्टीलैटरलिज्म को लिवरेज करना चाहिए फॉर डेवलपमेंट, इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ पॉजिटिव रोल, हमें यहाँ पे पॉजिटिव रोल जो है वो अडॉप्ट करना ही चाहिए ड्यूरिंग द SCO प्रेसिडेंसी, और कुछ फोरम है जिसको हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल ऑफ यूरोएशिया। ठीक है, क्योंकि ये आप देखो कि यहाँ पे यूरोप और यूरोपियन कंट्री और साथ ही एशिया है, तो यूरेशिया के डेवलपमेंट के लिए ही यहाँ पे SCO ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही एक फैसिलिटेटर जैसा एक्ट करने की बात की जा रही है कि इंडिया जो है एक ब्रिज फॉर्म कर सकता है रशिया और वेस्ट के बीच में, इन दोनों को दोस्ती करा सकता है, ऐसा भी एक यहाँ पे एक फोरम है। साथ ही आप देखो कि नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रमोट किया जा सकता है।
हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने डिप्लोमेटिक कैपिटल्स में, जिससे कि जो SCO का एजेंडा है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ के निकले। मेंटेन करना है जो फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी है, यानी कि बैलेंस्ड यहाँ पे चॉइसेस होनी चाहिए स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का, जो कि वेरियस यहाँ पे रीजनल ग्रुपिंग के साथ, जैसे कि आप देखो क्वाड है, ब्रिक्स है, सार्क है, एशियान है, ये सारे कंट्रीज़ के साथ हमारी जो ऑटोनॉमी है वो यहाँ पे और बेटर हो सके। कंस्ट्रक्टिव रोल, यानी कि इंडिया को यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर चलना चाहिए, जिससे कि हम लोग एक SCO को ऐसा प्लेटफॉर्म बना सके जिसमें कि एग्रीमेंट निकल कर आ जाए, ना कि डिसएग्रीमेंट। ओके, सो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। इसके साथ आप रैट्स के बारे में देख लो, इसकी हेडक्वार्टर बिशेक में है, किर्गिज रिपब्लिक में। और रैट्स जो कि बेसिकली यहाँ पे टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, सेपरेटिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, इन सबको यहाँ पे रोकने के लिए काम करता है। 2001 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, बिशेक सबमिट से निकला था। और ये बेसिकली यहाँ पे टेररिस्ट के जितने भी डेटाबेस है उसको मेंटेन करते हैं, और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसको भी मेंटेन करते हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज़ में है। ओके, सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट संघाई और कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी सबमिट हुई थी, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही आराम से आपसे पूछा जा सकता है। तो यू शुड नो ईच एंड एवरी पॉइंट्स जो कि यहाँ से है, और ये एक मेंस का भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ईच एंड एवरी पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं ब्लैक सी ग्रेल डील। सो ये है क्या? देखिए, रशिया के द्वारा जो है ये विड्रॉ कर लिया गया है ब्लैक सी ग्रेल डील से। तो रशिया जो है ये क्लेम कर रहा है कि जो भी प्रॉमिस इस डील के अंदर है उसको कभी भी मीट नहीं किया गया, यानी कि एक ऐसा डील है जिसमें कि ऐसा लगता है कि सिर्फ बात किया गया है लेकिन काम नहीं किया गया है। तो इसलिए रशिया इस डील को छोड़ते हुए बाहर निकल रहा है, क्योंकि इसमें आज के भी डेट में आप देखो कि अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और जो फर्टिलाइजर्स है उसके एक्सपोर्ट को लेकर अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है रशिया को। रशिया के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो है मेनली हाई एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को ही एक्सपोर्ट करता है, और ओनली 3% जो है वो पुअर कंट्रीज़ इसमें से हैं। तो यानी कि यूक्रेन का यहाँ पे जो फंडा है एक्सपोर्ट करने का वो यहाँ पे हाई और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को ही है। लेकिन ये ब्लैक सी ग्रेन डील है क्या? देखिए, ब्लैक सी जो ग्रेन डील है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस और तुर्की के द्वारा यहाँ पे लाया गया था लास्ट ईयर में, जिसमें कि रशिया और यूक्रेन के बीच में था। तो ये जो डील था यहाँ पे क्या था कि जो फूड प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए था, और वो भी सप्लाई चेन जिस तरीके से डिसरप्ट हो गई थी ब्लैक सी को ब्लॉक करने के बाद। तो ब्लैक सी जैसे ही ब्लॉक हुआ था तो यहाँ पे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था, जिसके कारण आप देखोगे कि जो फूड की प्राइसेस थी वो बहुत बढ़ते गई। यहाँ पे एक सेफ मैरिटाइम जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स के लिए। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे जो डील था वो 120 डेज़ के लिए था, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हो, और इसको 2 times एक्सटेंड भी किया गया है तब से, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। ब्लैक सी ग्रेन, अगर हम लोग इनिशिएटिव देखें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कि एक ब्लैक सी है, यहाँ पे ये आपका देखिए ये साउथ वेटिंग एरिया है, ये नॉर्थ इंस्पेक्शन एरिया है, यहाँ पे इस्तांबुल आ जाता है तुर्की में, उसके बाद ये साउथ इंस्पेक्शन एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे ब्लैक सी से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम लोग समझने का बात करें कि ये डील जैसे ही बंद हुआ तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, सबसे पहले जो है फूड की प्राइसेस जो है उसमें इन्फ्लेशन आ गई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, चाहे वो ग्रेन्स हो या ऑयल सीड्स हो, उन सब की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा शूट अप कर गया। यूक्रेन के जो फार्मर्स है, किसान हैं, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इट मीन्स कि यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो फार्मर्स की यहाँ पे फार्मर्स जो है अनबैलेंस्ड हो गए, साथ ही अनइक्वल इम्पैक्ट पड़ा पुअर पे। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा वॉर्न किया गया कि जो एक्यूट जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण 828 मिलियंस पीपल पूरे वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हो रहे हैं। साथ ही आप देखोगे कि इम्पैक्ट जो है वो एडिबल ऑयल पे भी पड़ा, जो कि इंडिया में है। तो हम लोग बेसिकली आप देखो सनफ्लावर हो गया ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल हो गया, इन सबको हम लोग इम्पोर्ट करते जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो यहाँ पे मीट हो सके, ठीक है। शॉर्टफॉल देखने को मिला है फर्टिलाइज़र में, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट मे इंटेंसीफाई, जो कि रशिया और बेलारूस है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोर्सेज है मिनरल फर्टिलाइजर्स का, 14% पूरे वर्ल्ड में। ओके, अब वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी कि ये भी ज़रूरत है जिससे कि एवर इंक्रीजिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया और यूक्रेन के बीच में उसको सॉल्व किया जा सके। साथ ही यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जो है उसको रिफॉर्म करना, स्ट्रेंथन करना, जो भी यूक्रेन में वॉर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम है, ह्यूमन राइट्स की जो इशूज़ है, ये धीरे धीरे हम लोग को ये दर्शा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही जो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन है वो भी स्ट्रेंथन हो रहा है। आज की डेट में आप देखो कि नेशंस को ये ज़रूरत है कि जो कॉग्निटिव यहाँ पे प्लानिंग है उसको हम लोग एडॉप्ट कर सकें।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ड्रिवन प्रिडिक्टिवल एनालिटिक्स है उसको यहाँ पे हम लोग लेके चले, साथ ही एडवांस ट्रैक और ट्रेस कर सके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ध्यान कर सके, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी सिक्योर है और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिकोड होते हुए यहाँ पे आपका ब्लॉक के फॉर्म में यहाँ पे बनते जाता है। तो ये एक बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी आज की डेट में कहा गया है। ओके सो गाइस, दिस इज़ अबाउट यहाँ पे क्या ब्लैक सी ग्रीन डील, जो कि रशिया इस डील को बाहर निकल गया है और ये डील हमारा यूक्रेन और रशिया के बीच में था, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है उसको रोकने के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो छोटे छोटे न्यूज़ हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इंडिया यूएई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, इंडिया और जो यूएई है इनके द्वारा एक पैक्ट साइन किया गया है लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करने का। आज के डेट में आप देखो, हम लोग रुपीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे ग्लोबल करेंसी एक हम लोग यहाँ पे डॉलर को पहचानते हैं, हमारे रुपीज़ को नहीं पहचानता, तो हमारे रुपीज़ को भी पहचानी, इसलिए आज के डेट में हम लोग जो यहाँ पे हर एक कंट्री से ये डील कर रहे हैं कि जो ट्रेड वगैरह किया जाएगा वो लोकल करेंसी में किया जाएगा। जैसे यूएई का अपना लोकल करेंसी है उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे, और हमारी जो लोकल करेंसी है उसमें यूएई जो है वो ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है, और जो यूएई का दिरहम है और हमारा जो रुपी है, अब इसमें हम लोग जो है एक दूसरे को पैसे वगैरह दे के यहाँ पे व्यापार करेंगे। ओके देखिए, यूएई से हमारा क्या संबंध है और यूएई हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो यूएई यूनाइटेड एमिरेट्स, अगर हम लोग देखें अरब एमिरेट्स, जो कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट यहीं पे करते हैं। साथ ही अगर आप लोग ट्रेड देखोगे तो 85 बिलियन तक का है। यूएई जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है इंडिया के साथ पहली बार साइन किए थे। इसके अलावा बिम्सटेक के बारे में देख लेते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है। सबसे इस बार फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो यहाँ पे थाईलैंड में कंक्लूड हुई है, तो हम लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, पहली बार फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग्स जो कि बिम्सटेक का थाईलैंड में हुआ है। बिम्सटेक की जो सेक्रेटेरिएट है वो बांग्लादेश के ढाका में है। ये हमारा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1997 में इसको लाया गया था, और बैंकॉक डिक्लेरेशंस के साथ बिम्सटेक जो है निकल कर आया। इस्टेब्लिश जो था वो बिस्ट और ईसी था, जिसमें कि 4 कंट्रीज़ है, बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एस फॉर श्रीलंका एंड टी फॉर थाईलैंड। ओके, धीरे धीरे ये बढ़ते गया और 2004 में म्यांमार, नेपाल, भूटान इसको ज्वाइन कर लिए। तो ये इस चीज़ से ध्यान रखना है। बिम्सटेक हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, सबसे पहले आप देखो, नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो भी यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है बेटर तरीके से, और साथ ही साथ आप देखो बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है ये काफ़ी सिक्योर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पायरेसी फ्री जोन बनाया जा रहा है। समुद्री जो चोर होते हैं ना वो यहाँ पे आप देखो बहुत ज़्यादा है बे ऑफ बंगाल में, तो उनको यहाँ पे किसी तरह टैकल करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता जा रहा है। साथ ही यहाँ पे इंडिया को अलाउ किया गया है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर आए, जिससे कि जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है ये सारे रीजन में उसको हम लोग टैकल कर सके। ओके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंस, अगर आप देखोगे बिम्सटेक का तो 22% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इसकी यहाँ पे आपकी बिम्सटेक से जुड़े हैं। साथ ही कंबाइंड जीडीपी आप देखो तो $2.7 trillion का है। 1/4 जो है वर्ल्ड की ट्रेडेड गुड्स जो है वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में होता है एवरी ईयर, और की फोकस एरिया क्या क्या है, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज। फाइन, ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप है। एक्चुअली इंडिया के द्वारा ये यूनाइटेड नेशंस का है ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, जिसको यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। और साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि डिसीजन मेकर्स है, ठीक है, डिसीजन मेकर्स को ये हेल्प करेगा और सॉल्यूशंस वगैरह निकल कर आएगा, जो भी यूनाइटेड नेशंस का आप देखते हो ना कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड मिशन इनोवेशन, तो इंडिया के द्वारा ये 4th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल जो है ये होस्ट किया गया है। इस बार का जो थीम था वो है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। ओके, तो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की बात करें तो ये हाई लेवल ग्लोबल फोरम है, जिसमें कि कुछ पॉलिसीज़ और जो प्रोग्राम है उसको प्रमोट करने की बात की गई, वो भी किससे रिलेटेड है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से। हम लोग भी यहाँ पे क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के मेंबर हैं और 29 मेंबर्स भी है इसमें साथ में। फाइन, साथ ही साथ आप देखो CPTPP है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव जो एग्रीमेंट है ट्रांस पैसिफिक वाले पार्टनरशिप में, तो इसके बारे में कहा जा रहा है। तो यूके जो है, यूके के द्वारा इस ट्रीटी को साइन किया गया है, यानी कि अभी ये ज्वाइन हुआ है यूके, तो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 11 कंट्रीज़ के बीच में है। पहले यूएस भी यहाँ पे था, तो यूएस विड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो 11 कंट्रीज़ कौन कौन है,
ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चाइल, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम, ये सारे जो 11 कंट्रीज़ हैं ये आज के डेट में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन के भी मेंबर हैं। और यूके जो है अब यहाँ पे 12th कंट्री बन चुका है और फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हैं। अब देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली आप देखो यहाँ पे 500 मिलियन कंज्यूमर्स हैं और 13.5% जो है ये ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। बेसिकली यहाँ पे आप देखो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद जो इन्वायरमेंट और जो लेबर राइट है वो उसको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे इसके पार्ट क्यों नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर फ्रंट से अगर हम लोग देखें तो फार्मर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिस्क हो सकता है क्योंकि आप देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं वो चीप सस्ते दाम में होते हैं और सब्सिडाइज्ड रेट में होते हैं। साथ ही यहाँ पे जो मार्केट ऑफ जेनरिक मेडिसिंस का है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जेनरिक मेडिसिंस की हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट हब है जेनरिक मेडिसिंस के लिए और हमारे लिए ये सुटेबल मार्केटिंग है क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। थर्ड है कि इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स को फेस कर रहा है तो इसलिए भी हम लोग के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट क्यों नहीं है क्योंकि हमारे किसान जो है वो यहाँ पे सफ़र करेंगे। साथ ही हमारा जो मेडिसिन का फार्मास्यूटिकल जो यहाँ पे हमारी जेनरिक मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल की जो बिज़नेस है वो यहाँ पे ग्रूम नहीं हो पाएगी और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना एलिजिबल नहीं है कि इम्पोर्ट कॉम्पिटिशन को वो फेस कर सके। तो व्हाट इंडिया कैन गेन बाय ज्वाइनिंग, अगर हम लोग फिर भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को क्या फ़ायदा होगा। देखिए एक कॉम्पिटिटिवनेस तो निकल कर आता है, आप जिस भी ग्रुप में जाते हो तो अदर कंट्रीज़ को देखकर ये तो समझ में आता है कि हमारे यहाँ क्या क्या कमी है और उसको हम लोग यहाँ पे और बेटर कर सकते हैं। साथ ही न्यू क्लाइंट्स को एक्सेस करने का है, न्यू कंट्रीज़ है जिनके साथ हम लोग यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं अपने। अब नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव के बारे में। यहाँ पे ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड है जो कि अभी इसको ज्वाइन किए हैं। इसका एम है कि एक यूरोपियन एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करना, वो भी यूरोपियन जो नेशन कॉमन एक्विजिशन है उसके थ्रू। ओके, जिससे कि नाटो का जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेटेड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन हो पाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में आप मेंबर देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 19 हो गए। बेल्जियम है, बुल्गेरिया है, चेक रिपब्लिक है, नॉर्वे, स्लोवाकिया और यूके है। फाइन, सो ये सारे छोटे छोटे न्यूज़ हैं। एक है ऑर्कनी आइलैंड जो कि यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है यूके से और एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बन रहा है कहाँ पे, नॉर्वे में। तो इसको ध्यान रखना है, दिस वन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। आइलैंड जो है ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट जो स्कॉटलैंड का है ना वहाँ पे लोकेटेड है। ओके, उसके साथ आप देखो कि ये एक आर्किपेलगी भी है, यानी कि 70 आइलैंड का ये एक ग्रुप भी है और साथ ही साथ ये नॉर्वेजियन और जो डैनिश रूल थे उसके अंडर में था। और यहाँ पे आप देखो कि 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एक स्कारा ब्रे है, रिंग ऑफ ब्रॉडगार है, स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफ स्टेनिंस है और यहाँ पे मेशवा चैम्बर टॉम्ब है। तो इतने सारे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो कि इस आइलैंड में भी है और इस आइलैंड में टोटल जो है 70 आइलैंड्स है आर के पे लगे हुए यहाँ पे। तो छोटे छोटे आइलैंड्स का ये समूह है, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे ये एरिया ऐसा लग रहा है कि घूमने लायक है, तो यहाँ पे ज़रूर एक बार इसको देख लेना है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल रिलेशंस की एक एक टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हमने बहुत ही बेहतर तरीके से डिस्कस किया। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं या कोई भी क्वेरीज है तो आप फ्री हो कमेंट करने के लिए। साथ ही अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ कल।